आसंता 18 तारीख रु आरंभ होउछि पार्लियामेंटर स्वतंत्र अधिवेशन किछि दिन पूर्वरु संसदीय व्यापार मंत्री प्रहलाद जोशी एने कि सूचना देथिले बि एजेंडा स्पष्ट करा जाय नाही जहाकु नै अंधारे अछंती विरोधी एवं सारा देश एपरि कि शासक दलर नेता बि ए बाबदरे मुह खोलु नाहंती तबे स्वतंत्र अधिवेशन आरंभर दिनक पूर्वरु सरकार डाकिछंती सर्वदलीय बैठक आसंता 17 तारीख रे सर्वदलीय बैठक बसिबो जेउठी सरकार स्वतंत्र अधिवेशन एजेंडा स्पष्ट करि पारंती बोली कहा जाउछि स्वतंत्र अधिवेशन बाबदरे सूचना देबार दिनक गोटे निर्वाचन नहीं गोटे कमिटी गठन करिछंती पूर्वतन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्षता रे कमिटी गठित होइथिबा बेले तार प्रथम बैठक भी सरी स्वतंत्र अधिवेशन ने गोटे देश गोटे निर्वाचन प्रसंग में आलोचना होइपारे बोली अनुमान करा जाउछि किंतु ताहा ए जाय निश्चित होइनी गोटे देश गोटे निर्वाचन प्रसंग सह महिला संरक्षण बिल यूनिफॉर्म सिविल कोड और देशर नाम इंडिया को हटाई भारत रखा प्रसंग को नहीं भी चर्चा होउछि स्वतंत्र अधिवेशन एजेंडा संपर्क में आगुआ सूचना दे नथिबारु सरकार को समालोचना करि चालिछंती विरोधी आसंता 18 रु 22 तारीख जाए 5 दिन धरी चलो पार्लियामेंटर स्वतंत्र अधिवेशन प्रथम दिन अधिवेशन पुराणा संसद भवन रे हेबारे 22 तारिख रु यह नुआ संसद भवन को जीव बोली सुनिबा को मिलुछि पूर्वरु भी विरोधी एने कि स्वर उत्तोलन करथिले विरोधी दाबी रहितला कि एजेंडा नै स्पष्ट करंतु सरकार किंतु वर्तमान पर्यंत एजेंडा नै जणा पड़ी नाही किंतु स्वतंत्र अधिवेशन पूर्वरु सर्वदलीय बैठक 17 तारीख अधिक आलोचना करिबा वरिष्ठ सांबादिक शीतल तरंग बेउरिया अछि अवस्थ फोन लाइन रे सुक्त बेउरिया आपनकु स्वागत करछु न्यूज टोडिया को आपनकु कोन लागुछि सुक्त बेउरिया कि सर्वदलीय बैठक रे केउ केउ प्रसंग उठि पारे किंबा एई स्वतंत्र अधिवेशन रे कोन कोन प्रसंग कोन कोन एजेंडा को नै सरकार आगुकु बढि पारंती नै बंधु बंधुता एटा डेफिनेटली गोटे इम्पोर्टेन्ट बैठक हबाकु जाउछि स्वतंत्र अधिवेशन नले खाली सेमिस्टारे डका जाई नथांता डेफिनेट किछि ना किछि गोटे इम्पोर्टेन्ट इश्यू उपरे डिस्कसन हबो आउ डिसिशन नियाजिबो सेटा हेइ पारे आपणकर वन नेशन वन इलेक्शन हेइ पारे किंबा आपणकर जो इंडिया रु भारत को चेंज हबो ना सेटा भी हेइ पारे एटा भी हेइ पारे जे जो आपण कुथले कॉमन सिविल कोड हेइ पारे वुमेन जो संरक्षण बिल सेटा भी हेइ पारे किछि ना किछि इम्पोर्टेन्ट डिसिशन निया हबो ओपोजिशन वाला एजेंडा दिया जाय नि एजेंडा काई दिया हबो अगुरु आपन सेहि पे डकाउछि सतरे मीटिंग डकाउछि ना स्वतंत्र अधिवेशन पूर्वरो सर्वदलीय बैठक रो आवश्यकता कोन केमति एजेंडा कहिबे से सर्वदलीय बैठक रे त हि कहिते जे काही जेडा डका हेछि सर्वदलीय बैठक भी इम्पोर्टेन्ट हबाक जाउछि काई ना सेहि हि मु भावुछि त सेहि पे डका हेछि जे तांकु कुआ हबो जे कोन पई डका हेछि तेणु आम मैंने 18 तारीख रे आरंभ हो तो समस्त 17 तारीख रे बोध हुए जानदेवे कि ये अधिवेशन टा कहीं डकाई से ही डकाई ऑल पार्टी मीटिंग तेणु गोटे इम्पोर्टाट इवेंट हवा को जाऊँगी बंदिता तो तेणु मत जो आगु दबार कौन सी आवश्यकता ना तेणु सतरे डाकि सतरे से कहे यही कारण हूँ तापरे डिसीजन नेबे ऑपोजिशन डिसीजन नेबे समान अटेंड करिवे ने नाही की न करिवे की कॉल केमती करिवे कोन कंडीशन रहइबो जेमिति भाबर आई एनडीआईए मेंट कथा जदि कहिबा सुक्त बेउरिया आई एनडीआईए मेंट वर्तमान तार गोटिए परे गोटिए समन्वय कमिटी बैठक करूछि एवं से माने भी विभिन्न प्रसंग रे सहमत हेउछंती ता सहित धीरे धीरे केमिति केन्द्रर बीजेपी सरकार को से माने पदच्युत करि परिबे से नै की कला कौशल भी आरंभ बीजेपी भी ताको जोरदार मुहतोड़ जवाब देवा पई प्रयास करूछि ये सब भितरे आगामी समय रे राज्य रे निर्वाचन अछि ता परवर्ती समय रे पुणी थरे साधारण निर्वाचन भी अछि हातर ए सब पई बहुत कम समय अछि ता पूर्वरु ए सर्वदलीय बैठक एवं ए स्वतंत्र अधिवेशन केते गुरुत्व रखुछि अपन के हिसाब रे बहुत गुरुत्व रखुछि कैना किछि ना किछि इम्पोर्टेन्ट डिसिजन अबव मनिया हबो ए जो सब ए जो आसुति जो अधिवेशन आसती सेतरी किछि ना किछि इम्पोर्टेन्ट एजेंडा तो रही से जो इम्पोर्टेंट एजेंडा से जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट तार रिफ्लेक्शन डेफिनेटली आगामी इलेक्शन मान तेणु ये जो स्वतंत्र अधिवेशन डकाई से डेफिनेटली गोटे बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट हवाक जाऊँ पॉलिटिकली अदरवाइज अल्सो बंदिता मत लगुच जो बैठक स्वतंत्र बैठक सेटा इम्पोर्टेंट हबो आउ केमिति सेथिरे कौन सबू ताकर रोल कौन रहिबो ऑपोजिशन रा सेटा देखिबार अछि
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଆଇଏନଡିଆଇଏର ମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋର କାହିଁକି ତା ଉପରେ ବହୁତ ଡାଉଟ୍ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ରହିପାରିବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏ ଯୋଉ G20 ହେଇଥିଲା ଅଧିବେଶନ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଚୌଧୁରୀ ଅଛନ୍ତି ଅଧୀର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ସିଏ ବଡ଼ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ବହୁତ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ଯଦିଓ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ହିମାଚଳର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବି ସେଠି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ G20। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯାହା ବି ବାଦ ବିବାଦ ଅଛି କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଏତ ଅସହମତି କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଠି ଲଢିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ବି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଯାହା 18-22 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବରୁଆ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ। ଆଗକୁ ଆହୁରି